शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर संतोष अरोरा, अधिगम संसाधनों के प्रकार, संग्रहालय, फिल्में और इंटरनेट पर आज आपके साथ चर्चा करूंगी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे संग्रहालय की। संग्रहालय वह स्थान है जहां विषय संबंधी वस्तुओं को संग्रहित किया गया हो। प्रायः संग्रहालय तीन प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रादेशिक संग्रहालय और स्थानीय संग्रहालय। एक शिक्षक अपने विद्यालय स्तर पर भी संग्रहालय की स्थापना कर सकता है। संग्रहालय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी उपयोगिता रखते हैं। इसके द्वारा छात्र में बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास होता है। जब छात्र संग्रहालय का भ्रमण करता है तो वह विषय वस्तु से संबंधित वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण तो करता ही है। जब वो इन विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो विषय वस्तु के बारे में उसे जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ उसको अपने देश की संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। वो विभिन्न कलाकृतियों को देखता है, विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित विषय वस्तु का अवलोकन करता है, जिससे छात्र में बौद्धिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी होता है। कक्षा में सीखे हुए ज्ञान का सहसंबंध वास्तविक जीवन से छात्र संग्रहालयों के माध्यम से कर लेता है। जब छात्र संग्रहालय का भ्रमण करता है या संग्रहालय में वस्तुओं को देखता है, वास्तविक वस्तुओं को देखता है, तो वह उनका संबंध अपने वास्तविक जीवन से भी कर लेता है। जैसे एक छात्र जब संग्रहालय में विजिट करता है या भ्रमण करता है तो वहाँ पर वो विभिन्न प्रकार के बर्तनों को देखता है, विभिन्न प्रकार की धातुओं को देखता है, मिट्टी को देखता है, विभिन्न प्रकार के पहनावों को देखता है, विभिन्न धर्मों के पहनावों को देखता है, तो उसका संबंध वो अपने वास्तविक जीवन से भी कर लेता है कि मेरे वास्तविक जीवन में भी ये वस्तुएँ कहाँ कहाँ प्रयोग हो रही हैं। संग्रहालय विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जैसे छात्र जब संग्रहालय में जाता है तो वो ये देखता है कि प्राचीन समय में व्यक्ति शिकार करने के लिए किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था, तो उसमें एक ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि प्राचीन समय में कौन कौन से अधिकार होते थे। छात्र जैसे मिट्टी के बर्तनों को देखता है तो उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या मिट्टी के बर्तनों के द्वारा भी दैनिक जीवन में क्रियाकलाप किए जा सकते थे, तो संग्रहालय छात्रों में जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं। संग्रहालय विद्यार्थियों में अन्वेषण की शक्ति का भी विकास करते हैं। छात्र में एक खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है कि प्राचीन समय में ऐसा होता था तो व्यक्ति किस तरह की दिनचर्या को जीता था, किस तरह की जीवन शैली को जीता था। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत संग्रहालय में हम छात्रों को निम्नलिखित वस्तुएं की जानकारी दे सकते हैं, जैसे विभिन्न राष्ट्रों के ध्वज, डाक टिकटें, सिक्के, परिधान, गहने, टोपियां, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के वास्तविक रूप भी वहाँ हम रख सकते हैं। प्राचीन समय के औजार, यंत्र और उपकरण, विभिन्न प्रकार की धातुएं, दुर्लभ ग्रंथ, मानचित्र, स्थापत्य कला के चित्र, दुर्लभ पत्र और दुर्लभ उपदेश, इन सभी को हम संग्रहालय में रख सकते हैं। और इन वस्तुओं के माध्यम से एक शिक्षक विद्यालय में भी संग्रहालय की स्थापना कर सकता है। अब हम बात करेंगे फिल्मों की। किसी भी घटना को टेलीविज़न, सिनेमा हॉल में चलचित्र के रूप में दिखाया जाने को फिल्म कहते हैं। फिल्म वह है जिसमें गति हो या स्थायी चित्र हो, परंतु गति का आभास होना जरूरी होता है। सामाजिक अध्ययन विषय में विभिन्न उत्सवों, त्यौहारों, ऐतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों पर फिल्म दिखाई जा सकती है।
सामाजिक अध्ययन विषय में फिल्म अपनी एक उपयोगिता लिए हुए होती है, क्योंकि इसके द्वारा विषय वस्तु रुचिकर हो जाती है, क्योंकि फिल्म के अंदर चित्र होते हैं, ध्वनि होती है, संगीत होता है, पात्र होता है, इसलिए इसके माध्यम से जो विषय वस्तु छात्रों को दिखाई जाती है वे रुचिकर हो जाती है। फिल्म के माध्यम से हम अतीत की जानकारी छात्रों को दे सकते हैं। ऐसी तमाम फीचर फिल्म बनी हुई हैं, ऐसी तमाम फिल्में हैं जो अतीत के घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। छात्र इन फिल्मों के माध्यम से अतीत की जानकारी बड़े रोचक ढंग से प्राप्त कर लेता है। ग्रंथों के माध्यम से अतीत की जानकारी थोड़ी सी उबाऊ होती है, जबकि फिल्मों के माध्यम से जब हम छात्र को अतीत की जानकारी देते हैं, इतिहास की जानकारी देते हैं, तो छात्र बहुत रोचक तरीके से ज्ञान को ग्रहण कर लेता है या इस जानकारी को ग्रहण कर लेता है। इनके माध्यम से जो ज्ञान छात्र को प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, क्योंकि जब छात्र फिल्म देख रहा होता है तो वो सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है, तो छात्र की कई इंद्रियों का प्रयोग उस समय हो रहा होता है, इसलिए इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। फिल्मों के द्वारा छात्र ज्ञान तो प्राप्त करता ही करता है, वरन फिल्में मनोरंजन का भी एक साधन है, इसलिए छात्र बहुत मनोरंजक तरीके से सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है, बहुत मनोरंजक तरीके से ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। कक्षा में ऐसे बहुत से छात्र होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए फिल्में एक उपयोगी संसाधन है, क्योंकि छात्र जब चाहे फिल्मों को दोहरा करके देख सकता है, जहाँ चाहे वो प्रोजेक्टर पर फिल्म को रोक सकता है और पुनः उसको देख सकता है। इस तरह से धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए फिल्में एक उपयोगी संसाधन है। फिल्मों के माध्यम से हम नवीनतम जानकारी छात्रों को प्रदान कर सकते हैं, जैसे राष्ट्र की विभिन्न योजनाएं हैं, वो योजनाएं किस तरीके से काम कर रही हैं, उन योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, इनकी नवीनतम जानकारी फिल्मों के माध्यम से छात्र को प्राप्त हो जाती है। फिल्में छात्र के लिए एक स्वतः अध्ययन का माध्यम भी हैं। छात्र को ऐसी सूचनाएं, ऐसी विषय वस्तु जो कि उसे कोई पढ़ाए, इसकी आवश्यकता नहीं होती। छात्र स्वतः ही फिल्मों के माध्यम से उस जानकारी को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये फिल्में छात्र को स्वतः अध्ययन के लिए प्रेरित करती हैं। फिल्मों के माध्यम से छात्र के अंदर विश्लेषण और समीक्षा करने की योग्यता का विकास होता है। ये एक अद्भुत योग्यता होती है जो फिल्में छात्र के अंदर विकसित करने में मददगार साबित होती हैं। ये एक अद्भुत योग्यता होती है फिल्मों के माध्यम से छात्र के अंदर विश्लेषण और समीक्षा की योग्यता विकसित हो जाती है। छात्र फिल्म देखकर घटना के बारे में समीक्षा कर सकता है कि उस घटना के दौरान हुआ क्या था, पात्रों की भूमिका क्या थी, वो पूरी घटना का विश्लेषण भी कर सकता है। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार से फिल्मों का प्रयोग करना चाहिए? एक शिक्षक को फिल्म दिखाने से पहले कक्षा में उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि फिल्म का स्रोत क्या है, फिल्में उसे कहाँ से प्राप्त होंगी, उसके साथ साथ फिल्म को दिखाने के लिए कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे टेलीविज़न या स्क्रीन की ज़रूरत होगी या प्रोजेक्टर की ज़रूरत होगी, छात्रों को बैठने के लिए कुर्सियों की ज़रूरत होगी, तो फिल्म दिखाने के लिए जिस प्रकार की भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी उसकी तैयारी भी एक शिक्षक को कर लेनी चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो फिल्म दिखाने से पहले छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर ले। इसके साथ साथ शिक्षक को फिल्म के प्रस्तुतीकरण के लिए भी
तैयारी कर लेनी चाहिए कि जो भी वो फिल्म दिखाने जा रहा है उसका प्रस्तुतिकरण वो क्रमबद्ध तरीके से करे या क्रमवार तरीके से करे। दूसरी बात, वो बीच बीच में फिल्म को रोक करके छात्रों से प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछे वह जहाँ उसे अनुभव हो कि छात्रों को यहाँ व्याख्या देने की ज़रूरत है वहाँ वो व्याख्या भी दे। वह छात्रों को इस प्रकार के निर्देश दे कि यदि फिल्म के दौरान उनको कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा यदि उनके मन में है तो वो उसे नोट करता चले। फिल्म दिखाने का तीसरा चरण होता है फॉलोअप या अनुवर्ती। इसके बाद वह मूल्यांकन करे वह छात्रों ने जो प्रश्न नोट किए थे उनकी जिज्ञासाओं को शांत करे, वह विचार विनिमय करे छात्रों के बीच में उस फिल्म से संबंधित एक परिचर्चा, एक डिस्कशन भी शिक्षक आयोजित करवा सकता है। फिल्म एक उपयोगी संसाधन है परंतु विद्यालय में हम लोग फिल्म का प्रदर्शन नहीं कर पाते। उसके प्रमुख रूप से तीन कारण हैं। पहला तो ये कि विद्यालय में भौतिक सुविधाएं नहीं हैं। फिल्म दिखाने के लिए एक विद्यालय के पास में फिल्म दिखाने हेतु प्रयुक्त होने वाली भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे उसके पास प्रोजेक्टर हो, कंप्यूटर हो, स्क्रीन हो, टेलीविज़न हो या मल्टीमीडिया हो या बहुमाध्यम हो। फिल्म दिखाने के लिए विद्यालय के पास में कुशल शिक्षक होने चाहिए। ऐसे शिक्षक होने चाहिए जिसको ये पता हो कि फिल्म कहाँ से प्राप्त होगी, वह फिल्म से संबंधित उपकरण कैसे चलाए जाते हैं। कुशल शिक्षकों की ज़रूरत होती है। दूसरा, शिक्षक को ये भी पता होना चाहिए कि मूवी प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं, फिल्म कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। फिल्में केंद्र व राज्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त की जा सकती हैं, पर्यटन विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं और दूतावास से भी प्राप्त की जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट एक अंतः नेटवर्क प्रणाली है जिससे छात्र दुनिया के हर कोने से जुड़ जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर आधारित अधिगम संसाधन है जिसके द्वारा संप्रेषण आसान होता है, तेज होता है और कम खर्च वाला होता है। इंटरनेट के द्वारा छात्र वेब आधारित अधिगम प्रक्रिया में एनिमेशन, खेल, ऑडियो, वीडियो, क्लिपिंग व सिमुलेशन के माध्यम से सीखता है। इंटरनेट सामाजिक अध्ययन विषय के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है क्योंकि इसके द्वारा जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है वह सरल होती है, या इंटरनेट अधिगम को सरल बना देता है क्योंकि इसमें विषय वस्तु चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। वह विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कई वेबसाइट होती हैं। छात्र कई वेबसाइट पर जाकर के विषय वस्तु को ग्रहण कर सकता है और जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है वह लिखित रूप में तो होती ही होती है, साथ ही साथ फिल्मों के रूप में भी यहाँ पर विषय वस्तु रखी जाती है या वीडियो के रूप में भी विषय वस्तु रखी जाती है। इसलिए सीखे जाने वाली विषय वस्तु सरल हो जाती है। इंटरनेट के माध्यम से विषय वस्तु रुचिकर भी हो जाती है। ये अध्ययन और अधिगम को रुचिकर बना देता है क्योंकि इसके माध्यम से छात्र अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, इसलिए विषय वस्तु रुचिकर हो जाती है। इंटरनेट के माध्यम से छात्र आत्मनिर्भर बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कि छात्र को कोई सिखाए या उसके सीखने में कोई मदद करे। इंटरनेट पर ऐसे कई पोर्टल हैं, ऐसे ट्यूटोरियल होते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है, अपने प्रश्नों को वहाँ पर रख करके उनको हल कर सकता है, उनके उत्तर को जांच सकता है। इसलिए छात्र स्वतः ही सीखने का प्रयास करता है। इंटरनेट असीमित ज्ञान का भंडार है। एक विषय वस्तु के ऊपर कई पृष्ठ उपलब्ध हैं, कई वेबसाइट उपलब्ध हैं, कई वेब पेज उपलब्ध हैं, इसलिए इंटरनेट को असीमित ज्ञान का भंडार माना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का तीव्र आदान प्रदान होता है। एक क्लिक में ही
एक संस्थान की सूचनाएं दूसरे संस्थान तक और विश्व के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। सूचनाएं बहुत तीव्र गति से भेजी जा सकती हैं इंटरनेट के माध्यम से। छात्रों के मध्य सूचनाएं, आंकड़े, ग्राफिक्स, ध्वनि, सॉफ्टवेयर, पाठ्य सामग्री का आदान प्रदान हेतु इंटरनेट की विभिन्न सेवाओं का प्रयोग होता है। इंटरनेट की एक सेवा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल के नाम से भी जानते हैं। छात्र अपने दस्तावेज, पत्र, संदेश को एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक व एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए ईमेल एड्रेस का प्रयोग करता है। इसके लिए उसको एक सर्वर की आवश्यकता होती है, जैसे ये सर्वर जीमेल हो सकता है, याहू, रेडिफ और हॉटमेल हो सकता है। इंटरनेट के द्वारा जो दूसरी सेवा हमें प्राप्त होती है वह है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW के नाम से भी जानते हैं। किसी संस्थान द्वारा उसकी जानकारी, उसके आंकड़े, उसके द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम हेतु वेब पेज बनाए जाते हैं। इसके द्वारा सूचनाएं छात्र ग्रहण करता है। तीसरी सेवा जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है वह है ई कॉमर्स। संप्रेषण व सूचनाओं के क्षेत्र में जो कार्य ईमेल द्वारा किया जाता है, व्यापार के क्षेत्र में वही कार्य ई कॉमर्स के द्वारा किया जाता है, जैसे ATM, ऑनलाइन बिलिंग, रेलवे टिकटिंग, बैंक से पैसे निकालना और जमा करना। इंटरनेट के द्वारा हमें एक सेवा सामाजिक मंच के रूप में भी प्राप्त होती है। इसके माध्यम से हम अपने मित्रों के विचारों को जान सकते हैं, अपनी ऑडियो और वीडियो और फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं। ये एक सामाजिक मंच है जिस पर हम अपने विचारों को अन्य साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ और एक समुदाय के साथ समूह बना करके बांट सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इस प्रकार से फिल्में और इंटरनेट के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान विषय के विषय सामग्री को सरल बना सकते हैं, बोधगम्य बना सकते हैं और रुचिकर बना सकते हैं। धन्यवाद।